हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के सीडीपी के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो पेपर हमारा 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका सीडीपी का फर्स्ट पेपर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग सारे पेपर्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि आपने 2021-2022 वाले ऑनलाइन एग्जाम्स के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकताएं हो सकती हैं। नंबर वन है प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएँ, द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन, द्वितीयक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएँ, प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। तीसरा है प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन, द्वितीयक स्वयं निर्देशित अभ्यास, और चौथा है द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन की विलग्नता प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। तो यहाँ पर जो फिल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन वाला, यहाँ पर हो जाएगा जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाओं के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। द्वितीय जैविकीय द्वितीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। दूसरा है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तीसरा है विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। और चौथा है विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, विकास सिर से पांव की ओर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक संस्था है। नंबर वन निकटतम परिवार, टू सांस्कृतिक धारणाएं, थ्री धार्मिक संगठन, फोर मुद्रित संचार माध्यम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, निकटतम परिवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं। नंबर वन संवेदी गत्यात्मक, टू पूर्व संक्रियात्मक, थ्री मूर्त संक्रियात्मक, फोर औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। नंबर वन समावेशन, टू समायोजन, थ्री वर्गीकरण, फोर संकल्पना निर्माण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, समावेशन। हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड, समायोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर टू इसका सही समावेशन कहा जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। नंबर वन बी एफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, टू लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्री लेव वेगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, फोर सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, लेव वेगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसके अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वेगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया। नंबर वन अनुकरण, टू अनुकूलन, थ्री पार, फोर आत्मसातकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, पार। लेव वेगोत्स्की के सिद्धांत में इसे पार कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया। नंबर वन परिकल्पित स्थितियां, टू कागज कलम आधारित परीक्षण, थ्री चित्रकला, फोर रिपोर्ट कार्ड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वन, परिकल्पित स्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। नंबर वन बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, टू सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, थ्री व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, फोर चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे नंबर वन सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, टू बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, थ्री परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं।
स्फोट, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। दूसरा है लैब आयोगी ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरा है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। चौथा है लैब आयोगी ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लैब आयोगी ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जेंडर प्रमुख रूप से एक डैश निर्मित है। नंबर 1 जैविक, 2 सामाजिक, 3 चिकित्सीय, 4 यादृच्छिक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक। जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अभी कथन ए विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। ए वाला जो है वो हमारा गलत है। तर्कार है मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। ये तर्कार भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रचनात्मक आकलन नंबर 1 सत्र के अंत में किया जाता है, 2 केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, 3 समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, 4 केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? नंबर 1 बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना। नंबर 2 परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। तीसरा है अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना। चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अनुसूचित जनजाति ST के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नंबर 1 प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, 2 उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए, 3 उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए, और चौथा है विद्यालय और उनके समुदायों के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी नंबर 1 लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, 2 बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, 3 पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, 4 पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? नंबर 1 रिकॉर्ड की गई छवि सामग्री, 2 ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, 3 दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, 4 लिखित या मुद्रित सामग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लिखित या मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से क्या ध्यानाप्राह एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? नंबर 1 उच्च अवधान अवधि, 2 दृढ़ आवेगशीलता, 3 निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, 4 सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 दृढ़ आवेगशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है? नंबर 1 उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, 2 रचनात्मकता की कमी, 3 बाधित संप्रेषण कौशल, 4 दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अभी कथन ए है एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। ए वाला सही है। तर्क आर है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तर्क आर गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति नंबर 1
निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। टू, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। थ्री, विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है, ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में सक्षम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर वन बाल केंद्रित, टू परीक्षा केंद्रित, थ्री शिक्षक केंद्रित, फोर पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, बाल केंद्रित प्रविधियों शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। नंबर वन सहभागिता के बहुविध साधन, टू भेदभाव के बहुविध तरीके, थ्री प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, फोर अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर टू, भेदभाव के बहुविध तरीके, ये वाला जो हिस्सा है ये नहीं सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। नंबर वन अनुरूपात्मक चिंतन, टू कार्यात्मक स्थिरता, थ्री प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, फोर अभिसारी चिंतन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, अनुरूपात्मक चिंतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अभिकथन ए है, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सह सिद्धांत मौजूद होते हैं। कथन ए हमारा सही है। तर्कार है, इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। तर्कार गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ए और सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर वन भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं। दूसरा है भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। तीसरा है भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। चौथा है भावनाएं अधिगम के लिए प्रेरणा को प्रेरित प्रभावित करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नंबर वन जिज्ञासा, टू रुचि, थ्री स्पष्टता के लिए चाहत, फोर पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है ऑप्शन नंबर फोर, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब नंबर वन विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए, टू पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, थ्री विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, फोर पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। नंबर वन विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, टू विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, थ्री महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, फोर विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।